Oh yeah. आपको ये जगह देखिए कुछ कुछ नहीं लग रहा है क्या? ये जगह से ना वो कोना से मॉन्की किंग निकल के आ जाएगा, ज्यादा मत देखना। हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है आज का इस नया व्लॉग में। तो अभी बज चुका है 12:30 बज चुका है, अभी हम घर से निकल चुके हैं। जो आज हम जा रहे हैं जंगू, तो सबसे पहले तो जाना है हमें यहीं नीचे तक जाकर के थोड़ा बहुत, जो आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा जो ऐसा ही थोड़ा बहुत पार्टी चल रहा था ना, आज वहाँ भी बुलाया गया है। जाएंगे, पियेंगे और वहाँ से फिर से निकलेंगे। पहुँचते पहुँचते ऐसा भी टाइम 2-3-4 ऐसा ही बच जाएगा, तो आज थोड़ा लेट हो गए हम घर से निकल निकले। तो अभी आ रहे हैं भैया जी लोग भी, भैया और दीदी भी आ रहे हैं हमारे साथ में, जा रहे हैं वो लोग भी। और यहाँ देख सकते हो गाड़ी के पीछे हमने एक सामान ये लगा दिया, और गाड़ी काफ़ी मैल है, धूल ही धूल है। यहाँ पर देख सकते पीछे से पूरा पूरा धूल लगा हुआ है, अभी इसको साफ़ कर देना थोड़ी देर के बाद में, ऐसा ही हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे भी मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा साफ़ कर दूँगा। तो अभी दीदी लोग आने देते, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे सीधा नीचे की ओर, और जा कर के थोड़ा वहाँ बुलाया गया निकलेंगे, और उसके बाद में सीधा यहाँ वहाँ से सीधा निकलेंगे जंगू की ओर। ओ भाई साहब, कितने ज्यादा धूल लगे ना। जितना साफ करो उतना कम साला। और अभी थोड़ा बहुत साफ कर लिए, और मैं गाड़ी घुमा के रेडी रखता हूँ यहाँ पर। तो यार गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं जो आज का दशहरे पार्टी में बुलाया था ना घर, वहीं पहुंच चुके हैं। तो एक बार आप लोगों को दिखा दूं कि, और एक बार यहाँ देख सकते हो, यहाँ पीछे में हमने एक बतख भी लेके जा रहा है यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर धान चावल वगैरह है जो कि कोशेली, वो बतख तो ऐसे भी ऊपर अपनी रिलेटिव है इसीलिए वहाँ एक चाहिए है, तो इसीलिए हम लेके जा रहे हैं। और खास घर देख सकते हो, घर यही आज सब लोग इधर आए हुए हैं। तो चलिए अभी मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, थोड़ा ऊपर जाते चाय वाय पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और आप सभी लोगों को एक बार दिखा दूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है, तो चलिए एक बार आप सभी लोगों को टूर करवा दूँ। खमरी मदीम ओए ओ भाई, ओ भाई चुप, ओए हेलो, ठीक है क्या? हाथ मिला, हाथ मिला, हाथ मिला। और अभी काफ़ी खा पी लिए, अभी यहाँ से सीधा निकलते हैं, जाते जाते 2-3 घंटा लग जाएगा। और देख सकते हैं सब लोग यहाँ विदाई के लिए, अभी हम लौट के आएंगे, आज जा रहे हैं, कल परसों में हम लौट के आ जाएंगे। एक बहुत लेके आना। अभी हम 10 मील पहुंचने ही वाला है, और अभी हम थोड़ी ब्रेक लिए थे, तो अभी यहाँ देख सकती हूँ ये टायर पूरा पूरा नीचे दब गया है। तभी जा कर के यहीं आगे को होगा शायद से, वहाँ जा कर के हवा डलवाना है क्योंकि हवा कम हो चुका है, 4 ही टायर में एक बार चेक करवाएंगे। और अभी हम रुके हैं फ्यूल डलवाने के लिए, उसके बाद में यहाँ से सीधा निकलेंगे। अभी काफ़ी लंबा रास्ता है, और अभी जाकर के थोड़े आगे में टायर में हवा भी डलवाना है, तो हवा भी डलवाएंगे उसके बाद निकलेंगे। और उससे पहले गाड़ी को खासा दे देते हैं। भैया फुल हो गया, अभी चलते हैं। और अभी हम रुके हैं टायर में हवा डलवाने के लिए, तो डलवा लेते हैं।
तो इसमें हवा डल वाली है जो कि पूरा तरह से नीचे धस चुका था, लेकिन हवा ठीक हो गई अभी। हमने सोचा कुछ कांच वाच कांची का टुकड़ा घुसा हुआ है, लेकिन वो नहीं, यही अंदर खराब हुआ था। और ये अभी लगा दिए वो भी, अब यहाँ से अभी हवा ठीक है। अभी दूसरा तीन टायर में नपा जा रहा है, उसके बाद हम यहाँ से सीधा निकलेंगे आगे को। और यहाँ से अभी लंबा जाके कहाँ तक होगा एक बार रेस लेंगे वहाँ और निकलेंगे। देख सकते हो यहाँ से नज़ारा। सो दोस्तों, अभी ऐसा ही आधा घंटे के बाद में मैं आप पहुंच चुका हूँ डिक्चू डैम। और भैया लोग आगे में थोड़ा मार्केट है, वहाँ हमने गाड़ी को वहाँ पार्क कर दिया। भैया जी लोग ऐसा ही कुछ चीज़ वगैरह खरीद है वहाँ दुकान में, और मैं ऐसा ही आ गया था यहाँ पुल पे जो कि यहाँ आगे डैम है, और मैं आप सभी लोगों को व्यू दिखाने के लिए आया था। तो यहाँ थोड़ा बहुत घूमेंगे, आप लोगों को कुछ दिखाएंगे, और यहाँ से फिर सीधा यही रास्ता होकर के निकलना है हमें। तो आगे में थोड़ा मार्केट जैसा है, एक छोटा मार्केट, और वहाँ भैया जी लोग गाड़ी रखा है हमने, वहाँ भैया लोग सामान खरीद रहे अभी। और मैं आप सभी लोगों को दिखा दूँ एक बार यहाँ का जगह, एक बार आप लोग सिनेमैटिक में चेक करें क्या। आपको ये जगह देखिए कुछ कुछ नहीं लग रहा है क्या? ये जगह से ना वो कोना से मंकी किंग निकल के आ जाएगा, ज़्यादा मत देखना। और यहाँ देख सकते हो पानी कितना गहरा हो सकता है, शायद से होगा भी, हो है पानी कितना गहरा है, देख सकते हो कितना जमा हुआ। अभी डैम को छोड़ा गया नहीं है, तो अभी पानी का भाव देख सकते हो कि जब समय होता है ना तो तब तो ये ऊपर तक आ जाता होगा शायद से। और यहाँ पुल, यहाँ भी लोग चलने के लिए, और यहाँ गाड़ी, और ऊपर भी लोग चलने के लिए। और ये पहाड़ देख सकते हो, काफ़ी मस्त सब पत्थर वाला पहाड़ है। और यहाँ से देख सकते नजारा कुछ इस तरह का है। झूठे वादे सही दिल से निभाना कभी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कभी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कभी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं। मुझे तो यहाँ काफी डर लग रहा है, जो कि ये वो बड़ा वाला गाड़ी आता है ना, तो तब ये पुल है ना ऐसा ऐसा हिल रहा है, तो मैं तो एक बार ही सोचा कि भूकंप आ गया। ओह भाई साहब, ये पुल पूरा का पूरा हिल रहा है, क्योंकि यहाँ से आधा गया हो ना, और यहाँ का कहाँ है, यहीं से, तो इसीलिए अभी पूरा का पूरा वो बड़ा वाला गाड़ी आता है ना तो ऐसा हिल रहा है। मुझे तो काफ़ी डर लगा, दिल में धक धक से हो रहा है भाई साहब, ऐसा कि भूकंप आ गया ऐसा लग रहा था। तो फिलहाल आगे चलते हैं, भैया लोग ऐसा ही सामान खरीद चुके होंगे और यहाँ से निकलेंगे अभी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम भी लगने वाला है, हमें जाते जाते रात भी हो जाएगा। फिलहाल यहाँ से फटाफट निकलते हैं, अभी बज चुका है 3:30 बज चुका है, तो चलो। हाँ देख सकते हो टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं अभी, यहाँ देख सकते हो सामान कुछ इस तरफ को लगा दिया हमने, और अभी भी आ रहा है सामान। और यहाँ देख सकते हो बतख को हमने यहाँ रखा हुआ है, मुझे डर लग रहा है कहीं इसका दम ना घुट जाए, इसके ऊपर रख देते। ये देखो बैठने का जगह, हड्डियाँ हैं। और अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी अभी खुला हुआ है, क्योंकि सामान ला करके लगाना है ना, तो ज़्यादा तक सामान खरीद चुका है अभी, थोड़ा ऐसा ऊपर बच्चा पार्टी ज़्यादा है ना, इसलिए चिप्स वगैरह खरीदे। अभी मैं खा रहा हूँ दिल रंजन, और ये जो खरीद के दिया है ना मुझे, वो इधर एक बैठा था ना लाल वाला जैकेट पहन के भैया, उसने ला के दिया है। वो अभी ऐसा ही पीने के लिए ना नीचे होटल में जा रहा था, लेकिन मैंने ऐसा मना कर दी कि अब मत पीना, वो पहला पार्टी वाला घर था ना वहीं से पी करके थोड़ा बहुत चल गया था, तो अभी यहाँ पिएगा तो फिर पे पहुँच जाएगा। तो देख सकते हो पीछे में बतख हल्ला कर रहे हैं, और अभी भी अभी दालमूठ खा रहा हूँ। और इसमें क्या लिखा है, एक डायलॉग लिखा पता है क्या आप लोगों को, देखिए, दिल दिल से दिल की बात दिल रंजन के साथ हुआ, दिल रंजन के साथ नहीं गर्लफ्रेंड के साथ, बाबा गर्लफ्रेंड के साथ। और अभी सामान सब खरीद लिए, अभी यहाँ से सीधा निकलते हैं। वेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब, तुझे रब की कोई खोज नहीं, जाने मेरी जानी पर जानी मैनु छड़ना नहीं, आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए साए, हाय रब जब हो वही। ओहो भाई साहब, इतना खराब रास्ता, इतना खराब रास्ता मैंने सोचा भी नहीं था, हमारे गांव का रास्ता को तो है ना पीछे ही छोड़ देगा ऐसा रास्ता है। देख सकते हो यहाँ नीचे ना पूरा का पूरा खराब है, अभी दो भैया थे वो लोग नीचे में उतर गए हैं, तो अभी मैं ऊपर तक यहाँ तक लेके आया था,
तो अभी सोच रहे हैं कि एक भाई जी आ रहे हैं, यानी कि हमारा दीदी का हस्बैंड, उसको चलाने दे दे। मुझे तो हिम्मत नहीं आ रहा भाई साहब ऐसा रोड में। वो भाई साहब रोड फिर इतना छोटा है रोड भी, वो आगे में तो भाई साहब 3 टाटा मिले थे, लेकिन कि ऐसा ऐसा तैसा करके निकाल लिए और रास्ता ख़राब आ नहीं रहा, एक नंबर में भी आ नहीं रहा। ओ भाई साहब खत्म रास्ता है, खत्म रास्ता है। अभी यहाँ से कहाँ तक ऐसा ही रास्ता होगा पता नहीं, बोल नहीं सकता। ये रास्ता मैं पहले भी आया था, एक शादी था भाई जी का, मैं दोस्त के साथ में आया था, और वहाँ पर ऐसा ही हम तो ऐसा ही जो यूटिलिटी होता ना उसका डाला में बैठ के आया था। उस वक्त तो उतना ठीक ही लगा था, लेकिन अब छोटी गाड़ी लेके आए ना अपनी गाड़ी, तो रास्ता काफ़ी ख़त्म है भाई सब ख़त्म। यहाँ देख सकते हो सबका सब ऑरेंज का पेड़ है, जो कि संतरे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी सब खत्म हो गए। देखो गाड़ी का हालत पूरा का पूरा हिल लगा हुआ है। यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरफ का रास्ता है, क्यों हिल नहीं लगेगा। और यहाँ देख सकते हो सब लोग नीचे से चल के आ रहा है, रोड देख सकते हो यहाँ से नीचे ऐसा अभी ऐसा और वहाँ से भी होगा। और 3 लोग यहाँ नीचे चल के आ रहा है, कहाँ आ रहा है पता नहीं। देख सकते हो 3 लोग यहाँ चल के आ रहा है, डैम का ही पानी जमा हुआ है यहाँ से यहाँ कहाँ तक। काबू चिकन। और अभी देखो ये बंदा मंदिर जा रहा है। ओ ये भगवान, ये रास्ता, ऐसा रास्ता मैंने लाइफ में कभी फेस नहीं किया। ऐसा तो काफ़ी देर हो जाएगा हम घर पहुँचते पहुँचते, आगे गाड़ी लेके गया और पीछे से लोग चल के आने पर रहा, तो ऐसा तो 12 बज जाएगा ऊपर जाते जाते 12, तो वैसे तो मेरा तो अभी 12 बज चुका है। तो अभी मुझे यहाँ थोड़ा दिख रहा है कि रास्ता थोड़ा सा तो अच्छा है, लेकिन ऊपर ऊपर ऐसा ही होगा शायद से। ऑफ रोडिंग खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग। मुझे तो चलाने में काफ़ी डर लगता है, इसलिए अभी चला रहे भैया, क्योंकि यहाँ का सीनियर ड्राइवर है ना। अरे इसको माथि गरेर फेर्नु बेला भयो नि। ओ अरे नम्बर चलो 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 तो गाइस फाइनली काफ़ी टाइम के बाद में हम लोग आ चुके हैं घर पे, और अभी भी डिनर करके मैं यहाँ पर वीडियो एडिट करने के लिए आ चुका हूँ। तो अभी बाकी लोग सब लोग इसे किचन में बातें शाते गपे छपे मर रहे। अभी बोल रहा था कि कल कहाँ घूमने के लिए जाए, ऐसा ही प्लान बना रहा था, और बोल रहे थे कि आज ही आए हो, कल रेस्ट कर लेना, परसों को जाना, ऐसा ही बोल रहा था। हो सके तो आपको भी यहाँ का थोड़ा बहुत जगह दिखा देंगे, वैसे भी जगह तो मैं दिखाने वाला ही हूँ, लेकिन वो कहाँ घूमने के लिए जाने के लिए बोल रहा था, हो सके तो आप सभी को भी घुमा दूँ और साथ में घुमा दूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं तो अभी यहाँ बेड पे आ गया हूँ, देख सकते हो आज भाई जी सोएगा वहाँ और मैं सोऊंगा यहाँ, क्योंकि मैं वीडियो कर रहा हूँ इसलिए मुझे वो लाइट के सामने सोना पड़ता है, क्योंकि वीडियो में अच्छे देखना चाहिए ना। आज तो इतना ऑफ रोडिंग की ना, हे भगवान, थार लेके आ गया ना तब भी वो हार मान जाएगा, हम तो ऐसा छोटा वाला गाड़ी लेकर के आ गए, तो यहाँ का ऑफ रोड देख करके मुझे तंग आ गए, भगवान कौन ऐसा रोड में चलाता होगा भाई साहब। लेकिन ऐसा तैसा करके हम लोग तो पहुँच गए अभी, और काफ़ी भूख भी लगा था, अभी डिनर विनर कर लिए। तो फिलहाल मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाता हूँ, और आई होप आपको आज का व्लॉग भी लगभग ठीक ही लगा होगा। तो कल वाले व्लॉग भी ज़रूर से देख लेना, क्योंकि कल हम कहीं घूमने के लिए गया तो वो भी व्लॉग ज़रूर से आएगा, तो कल वाले व्लॉग भी ज़रूर से देख लेना। और अभी फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। है ऊपर हो तुम तो मैं हूँ, मेहनत साड़ी रहमत उदी प्यार तोटा। और वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, और आपका कोई इराय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।